तो हेलो भाई लोग, अपना 2024 का सैन डिएगो कॉमिक कॉन खत्म हो चुका है और उसके अंदर हमारा मार्वल का पैनल भी खत्म हो चुका है और हमारे प्यारे मालिक वापस आ चुके हैं। तो फिर जश्न की तैयारियां करवाओ मामा, क्योंकि हमारे द लेजेंडरी आयरन मैन यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ चुके हैं, लेकिन आयरन मैन बनकर नहीं बल्कि विक्टर वोंग डूम के रोल में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अपने RDJ लौट कर आए हैं डॉक्टर डूम बनने के लिए। सैन डिएगो कॉमिक कॉन की शुरुआत में अपने केविन फेगी यानी टोपी मास्टर आते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ तीन मूवीज के बारे में बात करेंगे, सबसे पहली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, उसके बाद थंडरबोल्ट्स और फिर फंटास्टिक फोर। और इन तीनों मूवीज के बारे में बात करने के बाद हमारे टोपी मास्टर के साथ वहाँ पर आते हैं अपने रूसो ब्रदर्स, और रूसो ब्रदर्स हमें बताते हैं कि आने वाली दो मूवीज यानी कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और एक मूवी और जिसे वो डायरेक्ट करने वाले हैं। और वो कहते हैं कि सीक्रेट वॉर्स बनाने के लिए हमें सीक्रेट वॉर्स के सबसे ज्यादा मेन विलन की जरूरत पड़ेगी, जो कि है विक्टर वोंग डूम। और उसके बाद हमारे सामने रिवील होता है कि 2026 में एक मूवी आएगी जिसका नाम होगा अवेंजर्स डूम्स डे। तो इस अनाउंसमेंट के बाद अपने बहुत सारे डूम के वेरियंट्स चलकर आते हैं और उनके पीछे से निकलते हैं हमारे मेन डॉक्टर डूम यानी कि RDJ। और RDJ वहां पर कहते हैं न्यू मास्क बट सेम टास्क। और मार्वल ये ऑफिशियली कंफर्म करता है कि अपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर विक्टर वोंग डूम के रोल में अवेंजर्स डूम्स डे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वापस आने वाले हैं। और यहाँ पर डेडपूल एंड वुल्वरीन का वो वाला डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है कि अपने RDJ को मार्वल में वापस आते हुए देखकर वो भी डॉक्टर डूम के रोल में, हम सारे फैंस का तो पानी ही निकल गया। मतलब कि भाई देखो कि RDJ की वापसी से ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। और अच्छी बात ये है कि अपने RDJ डॉक्टर डूम के रोल में वापसी कर रहे हैं, एक तरह से वो अब ओरोबोरस वाले सर्कल को कम्प्लीट करेंगे, क्योंकि वो RDJ ही हैं जिन्होंने MCU की शुरुआत की थी और अब सीक्रेट वॉर्स के साथ वही MCU का अंत भी करेंगे। अपने टोपी मास्टर का ये सबसे ज्यादा अच्छा फैसला है कि उन्होंने डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के लिए RDJ को चुना, क्योंकि हम सभी लोगों को कैंग को देखना था, लेकिन अगर कैंग को हटाने का सबसे अच्छा कोई तरीका था तो वो था डॉक्टर डूम। और मुझे नहीं लगता कि कोई और अगर डॉक्टर डूम बनकर आता तो लोग कैंग को भुला पाते, लेकिन क्योंकि अब RDJ डॉक्टर डूम बनकर आ चुके हैं तो कैंग भाड़ में जाए, किसी को कैंग की नहीं पड़ी है। मार्वल वालों, अब तुम उसकी स्टोरी को पूरी करो या फिर मत करो, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें बस चाहिए हमारा डॉक्टर डूम, RDJ वाला डॉक्टर डूम। इसके अलावा मार्वल वालों ने यहाँ पर काफी ज्यादा सेफ खेलने की कोशिश की है, क्योंकि अगर वो कोई नया कैंग कास्ट करते या फिर किसी और को डॉक्टर डूम बनाने के लिए लेकर आते तो इस बात की काफी हाई पॉसिबिलिटीज थी कि ऑडियंस उसे पसंद नहीं करती, और मार्वल वालों के पास इस चीज की गारंटी भी नहीं होती कि वो बंदा आगे जाकर कांड नहीं करेगा। लेकिन हमारे RDJ के वापस आने से दो चीजें हुई हैं। पहले तो ये चीज कंफर्म होती है कि RDJ हमेशा मार्वल का साथ देंगे, और इसके अलावा MCU पर अब पैसों की बारिश ही बारिश होगी, क्योंकि RDJ का सिर्फ नाम ही काफी है किसी भी कैरेक्टर में जान डालने के लिए। इसके अलावा चलो बात कर लेते हैं कि क्या मार्वल वालों ने RDJ को डॉक्टर डूम बनाकर सही किया या फिर उसे आयरन मैन ही बनाना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा अच्छा क्या ही होगा कि जिस इंसान ने सुपर हीरो बनकर MCU की शुरुआत की, अब वही सबसे बैड एस सुपर विलन बनकर उसका अंत भी करेगा। और मार्वल वालों ने ये सब काफी ज्यादा सोच समझ कर किया है और सारी की सारी चीजें फाइनलाइज हो रखी हैं, क्योंकि अवेंजर्स डूम्स डे मूवी से काफी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और काफी ज्यादा बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि RDJ, रूसो ब्रदर्स और केविन फेगी। और पता नहीं डिस्नी वालों ने RDJ और रूसो ब्रदर्स को कितना सारा पैसा खिलाया होगा, तो वो अब बिलियंस में कमाने के लिए तैयार है इस मूवी से, या फिर कहूँ इन दोनों मूवीज से, और उनके बीच की सारी डीलिंग्स पहले ही हो चुकी होंगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अपने RDJ अब डॉक्टर डूम बनने से मना कर दें, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली कॉमिक कॉन में अनाउंस किया है और ऐसा उन्होंने काफी सारा विटामिन एम मिलने के बाद ही किया होगा। इसके अलावा जिन लोगों को लग रहा है कि अपना टोनी स्टार्क आखिर डॉक्टर डूम कैसे बन गया, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये टोनी स्टार्क नहीं होने वाला, ये विक्टर वोंग डूम ही होने वाला है, और ये अपना RDJ का विक्टर वोंग डूम फैंटास्टिक फोर वाली अर्थ से होने वाला है, यानी उनके यूनिवर्स वाला डॉक्टर डूम। और डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी देखने के बाद हम ये तो जान ही चुके हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि
सारे के सारे यूनिवर्सेस में सारे के सारे सुपर हीरोज की शक्ल सेम ही हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अपना डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखाया गया क्रिस इवांस का जॉनी स्टॉर्म। जॉनी स्टॉर्म बिल्कुल ही एक अलग कैरेक्टर है, उसका कैप्टन अमेरिका से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मार्वल के मल्टीवर्स में उसकी शक्ल कैप्टन अमेरिका से मिलती है। तो इसका मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारा फेस सेम है तो तुम्हें कैरेक्टर भी सेम ही निभाना पड़ेगा हर यूनिवर्स में। तो टेंशन मत लो, अपना आरडीजे का विक्टर वोंग डूम फैंटास्टिक फोर वाले यूनिवर्स में डॉक्टर डूम ही होने वाला है, आयरन मैन नहीं। हो सकता है कि उनके यूनिवर्स में या तो आयरन मैन एग्जिस्ट ना करता हो या फिर टॉम क्रूज का आयरन मैन एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि एक यूनिवर्स में एक शक्ल के दो लोग नहीं हो सकते, और हीरो और विलन तो कभी भी नहीं हो सकते। इसके अलावा जैसा कि आरडीजे ने कहा है, न्यू मास्क बट सेम टास्क, तो मतलब कि हमारे आरडीजे अब तक के सबसे हरामी विलन बन के दिखाएंगे, और अपना डॉक्टर डूम होता भी सबसे बड़ा हरामी है, लेकिन डॉक्टर डूम के हरामी पने की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। इसके अलावा आरडीजे के डॉक्टर डूम से रिलेटेड काफी सारी थ्योरीज है मेरे दिमाग में, तो उन पर भी बात करेंगे। लेकिन एक सच्चा आयरन मैन और एक सच्चा आरडीजे फैन होने के नाते भाई मेरे को तो गूज बम्स आ गए, मजा आ गया, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मैं पूरी तरह से तृप्त हो चुका हूँ, मुझे मार्वल वालों से कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो लोग आरडीजे के डॉक्टर डूम को दिखा दें। अब आरडीजे के वापस आने की खुशी में एक लाइक करो,